पॉइंट समथिंग, लेकिन मैं ग्रेड पूछूं आप बोलेंगे ए ग्रेड बी ग्रेड, लेकिन कहीं कहीं जगह डेसिमल की बड़ी वैल्यू होती है। स्टॉक एक्सचेंज में आ जाओ, करेंसी कन्वर्जन में आ जाओ, करेंसी कन्वर्जन में डॉट्स की जरूरत है या नहीं है, वरना बिजनेस कहां कहां चला जाएगा। तो आप जो टूल बना रहे हो यू हैव टू कीप इन दैट, कीप दैट इन माइंड कि उसकी वैल्यू, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस। अगर आप स्टॉक का सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो आपको पॉइंट्स की वैल्यू को अहमियत देनी होगी नहीं देनी होगी, अगर आप नहीं दो तो वो आपका टूल क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। वो कहेगा नहीं भाई पागल हो रहा, पॉइंट टू क्यों छोड़ दूं, मैं पॉइंट वन पे बिजनेस कर रहा हूं, पॉइंट टू छोड़ दूंगा तो मैं लॉस में आ गया, मैं गेटिंग माय पॉइंट। तो दैट डिपेंड्स कि आप कौन सा टूल बना दी, क्लियर है बात आपको। अच्छा जो मैक्सिमम डेटा टाइप्स यूज होती है वो ये यूज होती है, कौन कौन सी नंबर बताइएगा, इंटीजर डबल चार स्ट्रिंग बूल, ये समझ लो ये ताबीज बना के रख लो, ताबीज बना के अपनी जेब में रख लो, गले दिल से लगा लो, आपकी इनसे जान, चाहे आप प्रोग्रामर बनो या आईटी की फील्ड में इनसे जान नहीं छूटनी, ये आपने काम करना। अच्छा जी बताइएगा कोई बूल कहाँ यूज करता हूँ, बूल कहाँ यूज करूंगा, जहां पर क्या करना होगा मुझे ट्रू और फॉल्स। ये अब एग्जांपल दें लाइव, इसकी लाइव एग्जांपल, आर यू मेल और फीमेल, और बताएं दानियल तुम बताना चाह रहे हो, वो तो उन्होंने बता दिया जो आपने बताना था, यार आपने चैटिंग करी जरा। यस एलिजिबल है या नहीं, आर यू ह्यूमन, वो तो क्या है, और इसके अलावा कोई बताएं, आप बताएं, थक गई आप, आर यू स्टूडेंट, ठीक है। यहां पर बात होगी ट्रू और फॉल्स की, बिल्कुल उसी तरह है कि इस कोर्स में आप आना चाह रहे हो या यस या नो, 9 बजे की टाइमिंग में आना चाह रहे हो या यस या नो, संडे को क्लास है आना चाह रहे हो या नहीं यस या, तो वहां क्या यूज करोगे आप, क्या यूज करोगे, अच्छा चार का यूज करोगे, ये हो गया बूल, चार का यूज करोगे जहां पर एक करेक्टर ले रहोगे एक लेटर, वो उसकी एग्जांपल बताएं, ग्रेड सिस्टम में बिल्कुल ये भी यही कह रहे हैं, किसमें भाई आपका, अब जो आपने मार्कशीट बनानी है तो वहां पर स्टूडेंट ग्रेड किसमें होगा, ए में होगा, लेकिन यहाँ एक ए में होगा, बी में होगा, सी में होगा, गेटिंग माय पॉइंट। और इसके अलावा एग्जांपल सेक्शन में यूज कर सकते हैं, क्लास, आप सब बीएस के स्टूडेंट है ना, बीएस सेक्शन ए, घर के एड्रेस, ब्लॉक ए ब्लॉक बी ब्लॉक सी, और कोई एग्जांपल आप बताएं, बताना चाह रहे हैं काफी देर, क्लैप करें इनके लिए, बेल बैच ग्रुप बताया तो उन लोगों ने, सेशन हो गया, आप बताएं, गुड शाबाश, आप बताएं, बताओ भाई, एप्पल हो गया, एप्पल को ले सकते हैं भाई, एक करेक्टर की बात कर रहा हूँ, सही है। तो इस तरह ये चीजें लाइफ के साथ फायदे कर, ग्रुप में काम करेंगे तो एक दूसरे को हेल्प करते हैं, वहां से कौन सा है। अच्छा देखो इंडस्ट्री में कोई मारे नहीं डंडा लेके आपने वेरिएबल गलत इस्तेमाल करे, लेकिन आपकी प्रोग्राम की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। बिल्कुल ऐसी बात है कि आपके घर तीन लोग खाना खाने आ रहे हैं, आर यू विद मी, हाथ बोले तो आर यू विद मी, रैप अप की तरफ जा रहे हैं, आपके घर तीन लोग खाने की दावत पे आ रहे हैं, कौन कौन बुला रहा दावत पे अफ्तार के लिए, मुझे हाथ ही यूं कर लिए फौरन, ना हाम है ना नाम है, तो तीन लोगों के, आप तीन लोगों को इन्वाइट करते हो खाने के लिए, तो कितने लोग अरेंजमेंट करोगे खाने के लिए, 300 के तो नहीं करोगे ना, अगर चार लोगों के करिए, देखो बड़े दिल के आदमी है, गुड 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 नाइस, गेटिंग माय पॉइंट, उतने ही लोगों के अरेंजमेंट करोगे, ऐसा तो नहीं है ना 400 कर लो, नुकसान किसका इसमें, खर्चा किसका इसमें, बाद में वो सारा खाना कौन खाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, जिस किसी जितनी जरूरत है उसको वहीं पे रखना, लेट से इसकी जगह स्ट्रिंग यूज कर सकता हूं मैं, कर लूं, मना कोई भी नहीं करेगा, लेकिन मेरे प्रोग्राम की एफिशिएंसी क्या होती रहेगी, डाउन होती रहेगी, क्योंकि जरूरत नहीं थी आपने दे दी। बिल्कुल लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, एक मरीज आया डॉक्टर के पास, वो हल्का सर में दर्द बताता है, तो डॉक्टर उसको हाई डोज एंटीबायोटिक दे दे, दे दे भाई, हो सकता है सही हो जाए, लेकिन उसके लिए फायदेमंद हुआ नुकसानदेह हुआ, बिकॉज देयर वाज नो नीड, उसने फिर भी दे दी,
वो तो मरीज तो ठीक हो गया, मैं बिल्कुल चार टार्जन सुपरमैन बन गया, लेकिन अल्टीमेटली वो उसके लिए बेनिफिशियल नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ जिसकी जरूरत है हमें वही चीज। जी फ्लोट है ना, लिखिए नहीं लिख लिख लिया, ये मैंने जल्दी से लिखा है, फ्लोट डेसिमल स्ट्रिंग चार इंटीजर डबल लॉन्ग शॉर्ट ये चलती रहती है, बूल ये चलती रहेंगी, तो यू शॉर्ट यू लॉन्ग वो चलती रहेंगी, समझ रहे हो, ये मोस्टली यूज होती है। क्लियर मेरी बात? यस सर। आ गए हैं, लाइट बंद करें। अच्छा जी आप आ रहे हैं, ये वही जो मैंने लिखा डेटा, ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम बनाना आप सबने, ये प्रोग्राम है, आपको स्लाइड्स कहाँ मिल जाएंगे, हमारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, और उसमें आपने ये प्रोग्राम बनाना है, ये मैंने छोटे बनाया, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है अपने पास, एंड यू यू नीड टू टेल मी व्हाट्स द आउटपुट, इसका आंसर हो सकता है इसमें एरर हो तो रिमूव करेंगे और उसको एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में ला के इसका मुझे रिस्पॉन्स। क्लियर? आर यू विद मी? कोई बात, कोशिश अभी से बोलोगे नहीं होगा तो नहीं होगा, बोलो होगा मैं करूंगा, कैसे बोलोगे, बोलो मैं करूंगा, क्यों नहीं होगा तुमसे यार, हिम्मत करो, नहीं होगा तो अपने दोस्तों से हेल्प लेना, ये आप हेल्प कर देंगे इनकी, कौन इनकी हेल्प करेगा, हाथों पर करें यार, इतनी सारी हेल्प मिलेगी, और बोलो नहीं होगा उसको इससे हेल्प लेना, ये आपने प्रोग्राम बना, वो प्रोग्राम तो मैंने दिया था, वो प्रोग्राम तो आपने चला के एग्जीक्यूट करना है, एरर है या नहीं, ये प्रोग्राम आपने बनाना, यू नीड टू मेक दिस प्रोग्राम, ये प्रोग्राम मुझे बनाना है, आपने क्या बनाना है, एक स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाना है, लाइट ऑन करो, और उसमें ये फील्ड है नेम, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाना, बस सिंपल, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या क्या चाहिए होगा, स्टूडेंट का नाम चाहिए होगा, उसका सेल नंबर चाहिए होगा, उसका रोल नंबर चाहिए होगा, उसका जी नहीं, उसका फादर नेम चाहिए होगा, समझो मेरी बात को, कंसोल में आई एम ओके विद दैट, ताकि आप मुझे फाइल दोगे मैं वहीं चल कर देख लूंगा, और मैं आपकी शीट जो बना रहा हूँ उसमें वहीं पर मार्कआउट कर लूँगा, तो आप सबके लिए है कि बना के मुझे ईमेल कर दो। लाइट, ये नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट क्लास में स्टडी करने जा रहे हो, ये हम पढ़ने जा रहे हैं, एक मिनट दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में हम ये पढ़ने जा रहे हैं, तो आप सब इसको गो थ्रू कर लें, ताकि नेक्स्ट क्लास में जितनी अच्छी अवेयरनेस हो उतना अच्छा है, यानी पहले से बता रहा हूं नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या स्टडी करने जा रहे हैं। ये स्लाइड मिल जाएगी आपको, तो स्लाइड बता रहा हूं, क्लियर है मेरी बात? BOO नेक्स्ट क्लास, जो अगली क्लास होगी संडे को, क्या नाम बता रहा हूँ 12 सॉल्यूशंस बता रहा हूँ, ठीक है जी, इसको हो गया, लाइट ऑन कर दे, रेंज बड़ी हुई, फ्लोट छोटी वैल्यू के लिए, डबल बड़ी वैल्यू के लिए, जब फिगर बहुत बड़ी हो, जब बाइट ज्यादा हो, फिगर ज्यादा हो, जब आप स्टॉक में आते हैं ना, तो बड़ी बिलियंस ट्रिलियंस में के काम हो रहा हो, तो उसमें जाके यूज करना। हाँ लाइट, अच्छा जी स्टूडेंट्स, दानियल स्टॉप कर।